नमस्कार, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कक्षा आठवीं के लिए पार्ट 16, जिसका नाम है पानी की कहानी। ठीक है, और लेखक है इसके रामचंद्र तिवारी जी। इस पाठ में लेखक ने किसके बारे में बताया है? पानी के बारे में बताया है। देखिए, एक बार जब लेखक रास्ते से गुजर रहे थे, तो जब वो बेर की झाड़ी के पास से गुजरते हैं, तो एक पानी की बूंद, देखो ये बूंद दिखाई दे रही है, पानी की जो छोटी सी बूंद थी, अचानक से वो लेखक के हाथ पर आ गिरती है। ठीक है, तो लेखक देखता है कि वो बूंद आखिर आई कहाँ से है, तो फिर वो बूंद उसे खुद कहती है कि मैं जो हूँ इस बेर की झाड़ी के पत्तों में से निकल कर आपके हाथ पे आई हूँ। और फिर लेखक उससे पूछता है कि तुम आए कहाँ से हो, कैसे आई हो, तो इसी के बारे में बात करते हुए जो है पानी की जो वो छोटी सी बूंद है, वो अपने जीवन के बारे में बताती है कि कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे वो लेखक के हाथ तक पहुंची है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें पानी के जन्म के बारे में बताते हैं हम कि पानी का जन्म हुआ कैसे। सूर्यमंडल, ठीक है, जिसमें बहुत सारे उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह जो सारे घूमते रहते हैं, तो वहीं पर एक उल्का पिंड जो है वो सूर्य से के पास आकर उससे जब टकराया, तो उसके टकराने से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और उन्हीं में से ही एक टुकड़ा, उस उल्का पिंड के जो टुकड़े होते हैं उन्हीं में से एक टुकड़ा जो है उसने ही हमारी पृथ्वी का रूप लिया था। लेकिन जब वो उल्का पिंड सूर्य से टकराया था, तो उस समय वो बहुत ज्यादा गर्म था। क्यों गर्म था? क्योंकि सूर्य के अंदर तो आग ही आग होती है, सूर्य को तो आग का गोला माना जाता है। तो गर्मी के कारण जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो गर्मी के कारण हमारी पृथ्वी कैसी थी? बहुत ज्यादा गर्म थी, क्योंकि उसका निर्माण तब हुआ था। लेकिन करोड़ों सालों तक धीरे धीरे जो है उसमें परिवर्तन हुआ, हमारी जो पृथ्वी है वो ठंडी होती गई। अब कोई चीज गर्म होती है, ये तो आप सबको भी पता है, जैसे कि हम पानी को उबालते हैं तो क्या होता है, हम जब उस पानी को ढककर रखते हैं तो उस पर भाप जो है उसके ढक्कन पर लग जाती है। लेकिन जब वो पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो वही भाप जो है पानी का वापस से रूप लेकर वापस उस बर्तन में ही आ गिरती है। तो इसी तरह जब हमारी पृथ्वी गर्म थी करोड़ों सालों तक, वो ठंडी हो गई, और ठंडी होने के बाद जो भी पानी था, जो वाष्प के रूप में था, भाप के रूप में था, वो सारा जो पानी है वो पृथ्वी पर जमा हो गया। पृथ्वी यानी एक टुकड़ा ही तो था, जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे गड्ढे बने हुए थे। ठीक है, तो उन गड्ढों में वो पानी जो है ठंडा होके जमा हो गया, और अब हमारी पृथ्वी में वर्तमान स्थिति में जो वो पानी है वो कहाँ पर है? वो है महासागर के रूप में। ठीक है, जो ये इतने बड़े बड़े सागर हैं, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये सारी चीजें क्या, ये वही पानी है जब पृथ्वी की जो गर्माहट के कारण जो भाप थी वही ठंडी होकर ये पानी बना है। ये तो था पानी का जन्म। और पानी का जन्म कैसे हुआ? सूर्यमंडल में देखो बहुत सारी गैसें विद्यमान होती हैं, ठीक है, उन्हीं में से ये दो गैसें थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, उन दोनों गैसों में रासायनिक क्रिया हुई है, जिससे हमारे पानी का जन्म हुआ है। अब हम देखते हैं पानी की जीवन यात्रा। देखिए, पानी की जीवन यात्रा कैसे रही है? पानी की जीवन यात्रा, मैंने यहाँ तक तो आपको बताया है कि महासागरों में पानी आया कैसे है, फिर पानी की बूंद बता रही है कि पहले वो महासागरों में थी, ठंडी हो गई थी, तो महासागरों में क्या ऊपर बर्फ जम जाती है, लेकिन नीचे तो पानी रहता है ना, क्योंकि ऊपर के बर्फ के दबाव के कारण नीचे पानी होता है। तो पानी जो है पहले महासागर में थी, बहुत सालों तक वो महासागर में रहने के बाद वो महासागर की लहरों द्वारा, जब लहरें चट्टानों से टकराती हैं, वो कहाँ आ गई? चट्टानों में आ गई। ठीक है, करोड़ों सालों तक वो चट्टानों में रही है, चट्टानों के बाद वो कहाँ से निकली? वो ज्वालामुखी के बाहर निकली एक भाप के रूप में, भाप, क्योंकि ज्वालामुखी देखो आपको पता होगा बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो वहां से वो निकली है, भाप के रूप में निकली है। अब भाप, भाप कहाँ जाती है? नीचे तो आती नहीं है ना, भाप ऊपर उठती है, तो वो भाप जो है वो बादलों में चली गई, और बादलों में जाने के बाद वही भाप
वर्षा के रूप में फिर से हमारी धरती पर आ गई है। और वर्षा के कारण भाप जो है वर्षा बनकर फिर वो कहाँ गिरी, हमारी पृथ्वी पर, हमारी भूमि पर आकर वो इन्हीं झरनों में बहने लगी है वो पानी की बूंद। अब झरनों में आगे आपको पता है झरने क्या होते हैं, जो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते हैं। अब पानी की बूंद झरनों के रूप में जब नीचे आके गिरी तो वही झरनों के रूप में वो पानी की बूंद नदियों में आ गई। वो सारी बातें देखो ये लेखक को वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे जो है वो पानी की बूंद कहाँ कहाँ से आई है। अब झरनों से वही पानी गिरता हुआ नदियों में जमा हुआ तो पानी की बूंद भी नदी में आ गई। फिर नदी से बहते 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 जो बहुत बड़े बड़े पानी के पंप लगे हुए होते हैं उन्हीं पंप के थ्रू वो नदी का पानी नल में चला गया। जो हैंडपंप होते हैं हमारे, जो हम हाथ से जिनसे पानी निकालते हैं या मोटर लगा के निकालते हैं, तो वो पानी की बूंद सभी पानी के कणों के द्वारा वो नल में पहुंच गई। नल, अब नल तो देखो बंद हो जाता है तो पानी की बूंद निकल नहीं पाई, तो पानी की बूंद वहीं से ही भूमि में जो इतने सारे पेड़ लगे होते हैं वो पेड़ क्या करते हैं अपनी जड़ों के द्वारा अपने आसपास जितना पानी होता है ना वो उन जड़ों के द्वारा उस पानी को सोख लेते हैं। तो अब नल से वो पानी जो है भूमि के अंदर चला गया पेड़ों की जड़ों के द्वारा, और भूमि में जाने के बाद पेड़ों की जड़ों के अंदर आ गया। कई दिनों तक पानी की बूंद पेड़ों की जड़ों में रही है और फिर एक दिन अचानक उसे मौका मिला कि वो पेड़ों की जड़ों से पत्तियों के रूप में, पत्तियों के जो छिद्र होते हैं वहां से वो ओस के रूप में पानी की बूंद बाहर निकली। और वही ओस की जो बूंद है जब लेखक वहां से गुजर रहे थे तो वही उस बेरी की जो बेर की जो झाड़ी थी उसी के पत्तों में से वो ओस बनकर लेखक के हाथ पर आ गई। तो इस पाठ में जो है लेखक ने पानी का जो ये जन्म है कि पानी का जन्म कैसे हुआ, कि सूर्यमंडल में दोनों गैसों के बीच रासायनिक क्रिया हुई, पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी गर्म थी फिर वो ठंडी हुई, फिर पानी जो है ठंडे होने के कारण महासागर के रूप में आ गया, उसके बाद पानी की जीवन यात्रा शुरू हुई कि महासागरों से वो चट्टानों में, चट्टानों से वो ज्वालामुखी के रूप में भाप बनकर आया, भाप से वो कैसे बादल बना, बादल फिर वर्षा करके वो झरनों में आ गया, झरनों से बहता हुआ पानी नदी में, और नदी से वो पानी नल में आकर दोबारा वो भूमि में चला गया, और भूमि से फिर वो कैसे बाहर निकला, फिर से वो ओस के रूप में बाहर निकला, और ओस जो है फिर से दोबारा से वही ओस बादल बन जाती है। तो इस तरह से ये पानी का जो चक्र है ये हमेशा चलता रहता है। तो इस वीडियो के द्वारा बस मेरा यही समझाने का मतलब है कि आप जो है पानी का जन्म कैसे हुआ या पानी किन किन परिस्थितियों में रहकर हमारे तक पहुंचता है, आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।